हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने इस डैमेज्ड वाटर फाउंटेन का रियूज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको क्लीन करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश। क्लीनिंग के बाद अब मैं यहाँ पे सैंडपेपर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जिस मटेरियल से ये फाउंटेन बना है वो हल्का हल्का डैमेज होने लगा है, निकलने लगा है, और मैं डायरेक्ट अगर पेंट अप्लाई करूँगी तो एक बहुत टाइम तक वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट अब हम कलर अप्लाई करेंगे, जिसके लिए मैंने एशियन पेंट लिया है। ये ऑलरेडी मेरे पास था और ऑलरेडी जो मेरे प्लांटर्स हैं उनमें भी यही शेड है, तो मैंने सोचा बहुत अच्छे से जाएगा। और एशियन पेंट चूज़ करने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि मैं आउटडोर में रख रही हूँ तो मुझे मेंटेन करना भी ईजी होगा। सो ये ऑलमोस्ट हो चुका है और इसको ड्राई होने के लिए लगभग एक दिन लग गया था। नेक्स्ट ड्राई हो जाने के बाद अब मैं कुछ डिटेलिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक्रिलिक कलर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। सो ये हमारा कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ कुछ प्लांट्स। सो क्योंकि पॉट्स आपने देखे छोटे छोटे हैं इसमें जो फाउंटेन का बना हुआ है, तो मैंने सोचा इसमें सकुलेंट्स लगाए जाएं और कुछ मनी प्लांट्स लगाए जाएं। तो उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये था एक छोटा सा DIY। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।